हर्डमैनिया बिलोंग टू क्लास एसिडिसियाडिसिया कारेक्टर है कि इनके फैरिंगोना मीन्स प्रेजेंस ऑफ मैनी गुन एड्स इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वट इज फ्लूरोगोनी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैनी गुन एड्स इज कॉल्ड एज फ्ल्यूरोगोनी जीनस इज हर्डमैनिया एंड स्पीश वी आर डूंगा हर्डमानिया के बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं दैट इज सी स्क्वाड सी पोटैटो सी पर्स ऑन इसकी शेप ये सब कॉमन नेम्स दिए गए हैं नेक्स्ट इज हैबिट्स हर्डमैनिया जनरली प्रोटोकॉपरेशन में रहता है विद जेंकस जेंकस इज अ गैस्ट्रोपोर्ट प्रोटोकॉपरेशन एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिट उठाते हैं एंड ये दोनों ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में नहीं रह रहे मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी रीजन से एक्सटिंक्ट हो गया है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी उसके मर जाने की वजह से मर जाएगा ऐसा नहीं होगा वो ऑर्गेनिज्म उसके बिना भी जी सकता है सो दिस इज अनऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप सो इस रिलेशनशिप में जिसमें हर्डमैनिया और जेंकस एक दूसरे के साथ रह रहे हैं इसमें क्या होगा कि जो जेंकस है वो हर्डमैनिया को ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाएगा और जेंकस को इन टर्न हर्डमैनिया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सो दोनों ही बेनिफिट उठा रहे हैं नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फर्स्ट इज शेप सो पर्स जैसा दिखता है या फिर पोटैटो जैसा दिखता है इसलिए इसे हम सी पर्स या सी पोटैटो बोलते हैं साइज इज अप्रोक्सीमेटली टेन सेंटीमीटर कलर इज पिंक बॉडी इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट दैट इज बॉडी प्रॉपर एंड फुल इसका हम डायग्राम देखते हैं दिस इज अर्डमानिया इसका ये जो ऊपर वाला रीजन दिख रहा है दिस इज बॉडी प्रॉपर एंड नीचे वाला रीजन है फुट तो बॉडी प्रॉपर जो है तो बॉडी प्रॉपर देखते हैं इस रीजन पे दो साइफन प्रेजेंट है इस साइफन को बोला जाता है ब्रेंकियल साइफन एंड ये वाले साइफन को जो इस साइड पे है दिस इज कॉल्ड एज एट्रियल साइफन एट्रियल साइफन। इनके ऊपर भी है है, इनकी, जो की को बोलते हैं इसके अलावा फुट का काम तो यही है कि इसे सबस्टम से, से अटैच करवाते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिएंटेशन सो ओरिएंटेशन में देखिए जहां पर ब्रेंक्यल साइफन लोकेटेड होता है दैट रीजन इज कॉल्ड एज एंटीरियर रीजन

अब ये जो टेस्ट होती है ये एक ट्रांसल्यूसेंट लेयर है और थिक लेयर है एंड ये बेसिकली एपिडर्मिस से सेक्रेट होती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम देखते हैं ये बनी हुई है पांच चीजों की फर्स्ट इज मैट्रिक्स देन कॉर्प्यूजल्स इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स ब्लड वेसल्स एंड स्पिक्यूल्स तो इस डायग्राम में देखिए जो डॉटेड स्ट्रक्चर से मैंने शो किया है मीन्स फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मैट्रिक्स ऑफ ट्यूनिक ये बनी हुई है प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्रेजेंट होंगी कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी एंड प्रोटेक्शन के लिए स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे स्पिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं जो बड़े होते हैं दे कॉल्ड एज मेगा एंड छोटे होते हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रोस्लैरे नेक्स्ट फीचर इज बॉडी वॉल और मेंटल तो इस डायग्राम में देखिए ट्यूनिक के जस्ट नीचे ये जो लेयर है दिस वन दिस इज बॉडी वॉल तो ये जो बॉडी वॉल है ये किस चीज की बनी हुई है बॉडी वॉल वी नो इट लाइज बिलो टेस्ट इनफैक्ट ये ही टेस्ट को सिक्रीट करती होती है एंड इसे मेंटल भी कहा जाता है ये बनी होती है तीन या बेसिकली दो लेयर्स की दैट इज आउटर एपिडर्मिस एंड इनर एपिडर्मिस इसके बीच में मीजन काइम इम फील्ड होती है तो हम इस डायग्राम में देखते हैं दोबारा से ये थी बॉडी वॉल इसके अलावा इसके ऊपर ये इसने सेक्रेट कर दी ट्यूनिक अब बॉडी वॉल के अंदर की ये जो कैविटी है जिसके अंदर हर्डमानिया के सारे ऑर्गन्स लोकेटेड होंगे दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एट्रियम

नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो